हेलो मैजिकल माइंड्स, मैं पूजा श्री अग्रवाल यहाँ पे आपको कॉस्ट अकाउंटेंसी पढ़ाने जा रही हूँ। डियर, आप सब जानते हो कि अकाउंट्स की कई स्ट्रीम हैं और उसमें देखा जाए तो कॉस्ट अकाउंटिंग भी अकाउंट्स का आपका क्या है, एक पार्ट है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अकाउंट्स को हम थ्री पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट जो आपने पढ़ा हुआ है, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के हो, कॉमर्स ब्रीड के हो, तो आपने पढ़ा हुआ है फाइनेंशियल अकाउंट्स। 11th-12th में फाइनेंशियल अकाउंट्स, जहां पर हम बात करते थे कि कोई भी ट्रांजैक्शन होता है जिसका नेचर फाइनेंशियल होता है, फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस की हम लोग क्या करते थे, रिकॉर्डिंग्स करते थे, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शंस। जो भी फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस होते थे उनकी रिकॉर्डिंग करते थे। और आप देखते हो कि जो फाइनेंशियल अकाउंट्स मेंटेन करना किसी भी बिजनेस के लिए जरूरी होता है अकॉर्डिंग टू लॉ, राइट। तो अकाउंट्स की अगर हम दूसरे स्ट्रीम की बात करें तो वो क्या है आपकी, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन काम क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन काम है टू असर्टेन ऑफ कॉस्ट। आप बिजनेस करने जा रहे हो तो आपको हर चीज की क्या निकालनी पड़ेगी, कॉस्टिंग आपको निकालनी पड़ेगी, चाहे वो एक पर्टिकुलर ब्रांच की हो, चाहे वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हो। तो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग का काम क्या होता है, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट किसी भी चीज की कॉस्टिंग करना चाहते हो तो हम किसका यूज करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज करते हैं। और थर्ड वन हम अगर बात करें तो एक और अकाउंटिंग की स्ट्रीम होती है जिसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंट्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग। नाम से आपको पता लग रहा है, नाम से आप देख रहे हो मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी कि फॉर मैनेजर्स। अगर मैनेजर्स को किसी भी बिजनेस में कोई भी डिसीजन मेकिंग करना है, कोई भी बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेना है, तो जो मैनेजर्स जिस अकाउंटिंग का यूज करते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, जस्ट लाइक आप कह सकते हो बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये जो है ये सारी चीजें जो है आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड है। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, जिसको हम मार्जिनल कॉस्टिंग भी बोलते हैं, ये जो सारी चीजें हैं वो मैनेजमेंट अपने डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करता है। और इसलिए वहां पर उस टाइप की अकाउंटिंग जहां हम रिपोर्ट्स बनाते हैं और उन रिपोर्ट्स के बेसिस पे जो मैनेजमेंट है वो डिसीजन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। तो हम यहां पर स्टार्टिंग कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम सबसे पहले समझें कि बेसिकली कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट किसकी बात कर रहा है, क्या क्या चीजें कॉस्ट में ली जाती है। तो यहां पर हम देखेंगे, जब भी हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो जनरली हम मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। और अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो कॉस्ट को आप तीन पार्ट में बांट सकते हैं, कॉस्ट को आप तीन पार्ट में बांट सकते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम बोलेंगे मटेरियल। किसी भी फैक्ट्री में आप कुछ भी मैन्युफैक्चर करने चलेंगे, सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, मटेरियल चाहिए होगा।
तो मटेरियल में क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल डियर, हम यहां पे एग्जाम्पल लेते हैं कि आप शर्ट बनाने की फैक्ट्री आप स्टार्ट कर रहे हो। बहुत इजी सा एग्जाम्पल है, आपको इजीली समझ में आएगा। शर्ट मैन्युफैक्चरिंग की आपकी फैक्ट्री है, तो डियर आपको किस चीज की जरूरत होगी? आपको जरूरत होगी रॉ मटेरियल के तौर पे फैब्रिक की, कपड़े की, जिसकी हेल्प से आप शर्ट मैन्युफैक्चर करोगे। तो वो चीज किस में आ जाएगी? मटेरियल में आ जाएगी। दूसरे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं लेबर की। हम बात करते हैं लेबर की। शर्ट कौन स्टिच करेगा? ऑब्वियस सी बात है, वहां पे लेबर होगा। और भी शर्ट स्टिच करने के लिए जो लेबर होगा वो तो आपका टेलर होगा, उसके अलावा भी बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत होगी। और उस ह्यूमन रिसोर्स के लिए जो आप कॉस्ट इनकर्ड कर रहे हैं वो लेबर कॉस्ट के अंतर्गत आएगी। और इसके अलावा जो अदर एक्सपेंसेस हैं, अदर एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकते हैं डियर? अदर एक्सपेंसेस हो सकते हैं आपके, अगर मैं बात करूं एक्सपेंसेस में, तो आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका टेलीफोन चार्जेस, स्टेशनरी का खर्चा, जो मटेरियल और लेबर की कैटेगरी में नहीं आता है वो आपका कहां चला जाता है? एक्सपेंसेस की कैटेगरी में चला जाता है। फर्दर इन सारे एलिमेंट्स को हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट और दूसरे को हम कहते हैं इनडायरेक्ट। यानी अगर मैं मटेरियल की बात करूं तो मटेरियल दो टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल डियर जो कि आप फिनिश गुड्स में, फिनिश गुड्स क्या हुआ? फिनिश गुड्स हुआ, अगर मैंने जो एग्जाम्पल लिया था आपकी शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, तो जो बनी बनाई शर्ट है, जो शर्ट मैन्युफैक्चर हो चुकी है, उसे आप क्या बोलोगे? फिनिश गुड्स। जबकि जो फैब्रिक आपने शर्ट के लिए यूज किया है उसको आप बोलोगे रॉ मटेरियल, राइट? तो जो मटेरियल आप डायरेक्टली फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई कर सकते हो, मेजर कर सकते हो कि एक यूनिट फिनिश गुड्स के बनाने के लिए कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ, उसको आप क्या बोलोगे? डायरेक्ट मटेरियल। उसको आप क्या बोलोगे? डायरेक्ट मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल, मैं इजिली मेजर कर सकती हूं अपनी फैक्ट्री में कि एक शर्ट बनाने के लिए कितने मीटर कपड़ा लगा होगा, या एक शर्ट में कितने बटन्स लगे होंगे। तो ये जो फैब्रिक है, बटन है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया? डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन फैक्ट्री में कुछ ऐसा भी मटेरियल होता है जो आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हो या डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि वो फिनिश गुड्स में यूज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फैक्ट्री में मशीन्स हैं और मशीन्स में फ्यूल यूज हो रहा है, ठीक है, फ्यूल के तौर पे कोल भी यूज हो सकता है आपका, डीजल या कुछ भी जो है वो यूज हो सकता है, आपको उसका भी स्टॉक जो है वो रखना पड़ेगा। तो ये जो चीज है, वो जो आपने स्टॉक रखा है, उसको आप क्या बोलोगे? इनडायरेक्ट। आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते फिनिश गुड्स की यूनिट में कि कितना लगा। अगर सपोज मशीन पे शर्ट बन रही हो, उसके लिए, उस मशीन को चलाने के लिए कोई फ्यूल यूज हो रहा है, तो आप डायरेक्टली ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि एक शर्ट में कितना फ्यूल लगा। तो इस टाइप के मटेरियल को हम किस में डालेंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल में डालेंगे। आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हो, एक जर्नल सी बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं जो घर में बनने वाला, सपोज हम हलवे का एग्जाम्पल लेते हैं, गाजर के हलवे का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप किचन में हलवा बना रहे हो, ठीक है, तो गाजर जो आप कैरेट यूज करोगे, शुगर यूज करोगे, मिल्क वगैरह जो भी यूज करोगे, आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो। सपोज आप मैन्युफैक्चर करो, आप तैयार कर रहे हो 5 kg गाजर का हलवा, तो आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उतनी क्वांटिटी के लिए कितना रॉ मटेरियल लगेगा, कितना मतलब कि आपका कैरेट लगेगा या कितना शुगर लगेगा। ये सारी चीज आपकी क्या है? डायरेक्ट मटेरियल।
लेकिन जिस गैस स्टोव पे आप गाजर का हलवा बना रहे हो, क्या आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उस 5 kg हलवे को बनाने के लिए आपका कितना गैस खर्च हुआ? तो आप स्टॉक तो गैस सिलेंडर का भी रखोगे, तो वो चीज किस में आ गई? इनडायरेक्ट मटेरियल में। तो ये मैंने आपके किचन से एक एग्जांपल निकाला है ताकि आपको जो है डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल में डिफरेंस समझ में आ सके। ऐसे ही आप आ जाइए लेबर में, लेबर के भी आपके दो पोर्शन होते हैं, एक आपका होता है डायरेक्ट लेबर और दूसरा आपका होता है इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है? डियर एज यूजुअल, जैसे मैंने कहा, टेलर शर्ट को स्टिच करेगा और अगर मैं टेलर को पीस बेसिस पे पर पीस शर्ट का पे कर रही हूं, तो मैं डायरेक्टली ये मेजर कर सकती हूं कि एक शर्ट को बनाने में कितनी लेबर कॉस्ट गई। यानी कि जो टेलर को दिया हुआ वेजेस है वो आपका क्या है? डायरेक्ट लेबर। लेकिन डियर एक बात सोचो, क्या उस फैक्ट्री में वॉचमैन नहीं होगा? क्या उस फैक्ट्री में स्वीपर नहीं होगा, अदर स्टाफ नहीं होगा, सुपरवाइजर नहीं होगा? तो ये जो सारी चीजें हैं, उनकी जो सारी सैलरी है, या आपका जो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्टाफ है, उनकी जो सारी चीजें हैं, वो आपकी सारी की सारी किसमें आ जाएंगी? इनडायरेक्ट लेबर में आ जाएंगी। ऐसे ही डियर, अगर हम बात करें एक्सपेंसेस की, तो एक्सपेंसेस को भी हम पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो पार्ट में बांटते थे, लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो आज की डेट में डायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो हट चुका है और जितने भी एक्सपेंस है वो सारे के सारे किस कैटेगरी में चले गए हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में चले गए हैं। तो यहां पे आपने देखा इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर मैं इन तीनों, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात करूं, तो CIMA लंदन जो इंस्टीट्यूट है उसके अकॉर्डिंग ओवरहेड्स की एक डेफिनेशन दी जाती है। ओवरहेड्स की डेफिनेशन क्या है CIMA लंदन के अकॉर्डिंग? ओवरहेड्स की डेफिनेशन है एग्रीगेशन ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस इज कॉल्ड ओवरहेड्स। यानी कि अगर मैं इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड कर दूं, तो वो चीज क्या कहलाती है? ओवरहेड्स। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम फर्दर ओवरहेड्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो फैक्ट्री में जो ओवरहेड्स इनकर्ड होता है, मैन्युफैक्चरिंग, आप इसको फैक्ट्री ओवरहेड्स भी बोल सकते हैं और आप इसको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी बोल सकते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, तो फैक्ट्री लेवल पे इनकर्ड होने वाले ओवरहेड्स को हम बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। इसके बाद आपने एक ऑफिस बनाया होगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वहां पे जो आपके ओवरहेड्स इनकर्ड हो रहे हैं उसको आप बोल सकते हैं ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ये आपका सेकेंड लेवल का ओवरहेड्स हो गया। और आप अगर अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, वो सब आपका किस में आ जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स।
वो सारा आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आ जाएगा, जस्ट लाइक आप कह सकते हैं वेयर हाउस का जो खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा है, सेल्स प्रमोशन का जो खर्चा है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये मैंने आपको एक कॉस्ट का ब्रीफली इंट्रोडक्शन दिया है। अगर आपको कंप्लीट लेक्चर्स कॉस्ट के चाहिए तो आप eduattack.com पे जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।